कर्फ्यू को तो मैं पहले दिन से कहूँगा कि कर्फ्यू नहीं लगना चाहिए था, लेकिन लॉकडाउन होना चाहिए था। मैक्सिमम स्टेट्स ने कर्फ्यू नहीं लगा। आज मेंबर पार्लियामेंट भी कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं चला कब शिफ्ट कर। एरिया काउंसिलर जो भारतीय जनता पार्टी के, वो कहता है मुझे नहीं पता कब शिफ्ट कर। मैंने ट्वीट किया, मेरे ट्वीट का भी जवाब। कांग्रेस ने मुद्दा नहीं बनाया, कांग्रेस ने सवाल किया कि मैडम आप शहर की भलाई के लिए क्या करें। हमने सवाल किए थे। खेर जी सिर्फ कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा सकती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी। समाज दिनेश के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में NSUI ज्वाइन करने के बाद एक जमीनी कार्यकर्ता के रूप में जाने वाले पूर्व मेयर चंडीगढ़, जिला प्रधान, NSUI कार्यकर्ता, कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ताओं में से जाने माना नाम प्रदीप छाबड़ा जी आज हमारे साथ, जो कि चंडीगढ़ प्रदेश अध्यक्ष की कमान पिछले 6 सालों से संभाल रहे हैं, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हम स्वागत करेंगे प्रदीप छाबड़ा जी आपका। प्रदीप जी, कोरोना के चलते चंडीगढ़ में आपने जो हमने देखा कि जिस तरह से आप कांग्रेस पार्टी या आप अभी जो कमान संभाले हुए, अभी ताजा तरीन हालात के दौरान हमने देखा कि आपने प्रवासी मजदूरों के लिए कांग्रेस ने, जैसा कि सुनने में आया है कि ऑल इंडिया कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी की तरफ से सभी कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट जिला और राज्य स्तर पे ये एक सुविधा देने की बात कही गई है, जिसमें जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उनको कांग्रेस पार्टी फाइनेंशियल सुविधा मुहैया करवा के उन्हें किराया देकर अपने अपने घरों को भेजने की व्यवस्था कर रही है। प्रदीप जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, 1947 के बाद इतना एक डरावना जो दृश्य इस देश में हुआ, किस तरह से प्रवासी मजदूर जो है जगह जगह से, पूरे हिंदुस्तान से, मुंबई से लेके कर्नाटका से लेके दिल्ली से लेके, किस तरह पैदल चले। उसमें हैंडीकैप भी थे, उसमें प्रेग्नेंट वीमेन भी थी, उसमें छोटे छोटे बच्चे थे, और भूख से बिलखते हुए दो दो दिन उनको कुछ खाने को नहीं मिला। तो उस वजह से श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक फैसला किया कि 1947 के बाद पहली बार हमें ऐसा देश में देखने को मिल रहा है, और उन्होंने जितने भी प्रवासी थे, जितने भी श्रमिक थे, उनके लिए एक फैसला किया कि इनको अपने अपने प्रदेशों में भेज दिया जाए। लेकिन उनके पास जाने के लिए किराया नहीं था, तब उन्होंने ये डिसीजन किया कि सारी प्रदेश कमेटियाँ को आदेश दिए कि इन सबको भेजने की व्यवस्था की जाए, और उसके लिए हम लोग कोई किसी को कैश नहीं दे रहे, हम लोग उनको किराया जो है प्रशासन को देंगे ताकि वो ट्रेन की टिकट उनकी उनको मुहैया करवा सके। क्या ऐसी कोई सुविधा आप, चूँकि चंडीगढ़ ही नहीं पूरा देश अभी त्रस्त है कोरोना के इस बंद के चलते, तो क्या ऐसा ही कोई सुझाव या समाधान आप व्यापारी वर्ग के लिए भी लेके आ रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, आज आप कोई भी भारतीय जनता पार्टी लेट प्रदेश देख लीजिए, वहाँ पे इंडस्ट्रीज बंद पड़ी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास ना कोई नीति है ना कोई इनकी नीयत है। लॉकडाउन अगर आप एक दिन में अनाउंस करके 24 को अनाउंस करते हैं, 25 तारीख 12 बजे रात से लॉकडाउन हो गया, तो क्यों नहीं आप एक पॉलिसी बनाते पूरे प्रदेशों के लिए, पूरे देश के लिए, कि किस तरह से हम श्रमिकों को बचाया जा सकता है, किस तरह से इंडस्ट्री को सेव किया जा सकता है। इसके लिए राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों तो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन जी, जो बर्नर्ड केपलर साहब, उनसे मीटिंग भी की, उनसे फीडबैक भी ली, और उनसे सोल्यूशन भी पूछे कि किस तरीके से वो सोल्यूशन मोदी सरकार को अडॉप्ट करने चाहिए, मोदी सरकार को उसको अडॉप्ट करना चाहिए, ये हमारा मानना है। तो व्यापारी वर्ग के लिए बहुत चिंतित है, व्यापारी जो है वो रीढ़ की हड्डी है समाज की। व्यापारी वर्ग के पास अगर डिमांड आएगी तभी वो सप्लाई करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग उसी के साथ जुड़ी होती है। तो डिमांड और सप्लाई के साथ अगर आप अर्थव्यवस्था का गणित भी देख लीजिए, तो जब तक डिमांड नहीं है मार्केट में तब तक वो अर्थव्यवस्था नहीं मजबूत हो पाएगी। प्रदीप जी, सवाल लेकिन एक ये भी उठता है कि कोरोना में जब पहला केस आया तो पूरे सख्ती के साथ चंडीगढ़ प्रशासन ने कर्फ्यू लागू कर दिया। आज के ताज़ा हालात ये हैं कि ये आंकड़ा 150 टच करने को पहुंच चुका है। करीब 147 मामले आज, हम बता दें अपने दर्शकों को, करीब 147 मामले आज ताज़ा बन चुके हैं हालात जो कोरोना के इस वक्त चंडीगढ़ में हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है कि जहां पहले लॉकडाउन एक पेशेंट के ऊपर ही आया था कोरोना पॉजिटिव के अंदर, और आज वो 150 के ऊपर भी हम पूरा शहर खोल दिया है? 6 एरिया कंटेनमेंट किए, मैं ये चाहता हूँ कि उन 6 एरिया में कोई सेपरेट भेजिए, वहाँ पे टेस्टिंग करनी चाहिए लोगों की। 3 सेक्टर है और बापूधाम है मेन एरिया, जो इससे पर अभी आज तो सेक्टर 27 भी आपने देखा कि उसमें इंफेक्ट हुआ, सेक्टर 27 में भी मेड है, वो कहाँ से आते हैं, कहाँ पे रहते हैं, अभी ये देखने वाली बात है, उसका क्योंकि अभी एड्रेस नहीं पता चला है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कम से कम वहाँ पे पूरी सख्ती करनी चाहिए, और वहाँ पे टेस्टिंग जो है, मेरा एक शुरू से रहा है कि टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। चंडीगढ़ में मैंने बोला था कि आप लॉकडाउन खोल दीजिए लेकिन टेस्टिंग बढ़ा दीजिए, साथ साथ आप कर्फ्यू उठा दीजिए लेकिन टेस्टिंग बढ़ा दीजिए। हमने सजेशन दी थी
गवर्नर साहब को भी एडवाइजर साहब को भी कि टेस्टिंग मैक्सिमम होनी चाहिए, लेकिन जो बहुत कम है और जिस तरह से स्क्रीनिंग हुई उसके ऊपर भी सवाल उठते हैं कि वो स्क्रीनिंग सिर्फ बाहर से पूछ के चले जाना, किसी को बुखार तो नहीं है, किसी ने पूछा आपके घर में मेड है, नौकर है, सर्वेंट है, कहाँ से आया, कहाँ से आता है, लेकिन ऐसा तो मतलब आप प्रशासन के इस स्टैंड पर सहमत हैं कि मतलब जो लॉकडाउन या कर्फ्यू जो अभी डील दी गई है, जो रियायत दी गई है वो तर्कसंगत है? जितना देखिए कर्फ्यू का तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि कर्फ्यू नहीं लगना चाहिए था, लेकिन लॉकडाउन होना चाहिए था। मैक्सिमम स्टेट्स ने कर्फ्यू नहीं लगाया और पूरा देश देख लीजिए, सिर्फ एक एरिया पर्टिकुलर चूज करके, अब जैसे कोई एरिया आप पर्टिकुलर चूज कर लेते हैं वहाँ कर्फ्यू लगा देते, कोई बात नहीं कि वहाँ कैसे ज्यादा है तो वहाँ लोग बाहर बिल्कुल ना निकले, लेकिन पूरे शहर को जिस तरीके से सवा महीना डेढ़ महीना लॉकडाउन किया गया, जिस तरीके से शहर के लोगों को परेशानी हुई और कई बार जातियाँ भी होती हैं लोगों के साथ, हुई हैं बहुत जगह पे, लेकिन उसको दबा दिया जाता है क्योंकि मामला ऐसा था, कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जिससे लोग खुद भी डरे हुए थे, इसलिए कोई मामला उठाना नहीं चाहते। प्रदीप जी, सेक्टर 17 बस स्टैंड जो कि हम सभी जानते हैं कि हम सब ने वहाँ पे बसेस ली हैं दिल्ली जाने के लिए और इंटरस्टेट बसेस वहाँ से जाती थी, एक टाइम था जब अगर उस काउंटर पे हम जाते थे तो वहाँ पे हम वॉल्वो की टिकट लेते थे, लेकिन आज उस काउंटर पे प्रशासन ने भिंडी बैंगन आलू टमाटर सब्जियां वहां रख दी हैं, उसमें आपका क्या कहना है? हालांकि प्रशासन ने तर्क दिया है कि बापूधाम कॉलोनी के कारण हम लोगों ने ये मंडी को हमें वहां शिफ्ट करना पड़ा, कांग्रेस का इसमें क्या स्टैंड? देखिए प्रशासन के इस तर्क से तो मैं सहमत नहीं हूँ बिल्कुल, आज मेंबर पार्लियामेंट भी कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं चला कब शिफ्ट करना, एरिया काउंसिलर जो भारतीय जनता पार्टी के वो कहता मुझे नहीं पता कब शिफ्ट करना, मैंने ट्वीट किया, मेरे ट्वीट का भी जवाब नहीं दिया आपने, तो ये कैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कैसे मोदी साहब की सरकार है कि उनका मेयर, उनके काउंसलर, उनकी एमपी, उनके प्रशासक, उनके ऑफिसर लगाए हुए, उनके बाद सरकार केंद्र में उनकी, लेकिन उनके ही आदमियों को नहीं पूछा जा रहा, उनके इलेक्टेड नुमाइंदों को नहीं पूछा जा रहा, तो ये बड़ी त्रासदी की बात है। दूसरी बात यह कि सेक्टर 17 का इफेक्ट जो है 6 सेक्टर्स के ऊपर पड़ेगा कम से कम, 16, 17, 18 और 21, 22, 23 यहाँ तकरीबन 1 लाख की पॉपुलेशन है सारे सेक्टर्स में मिला के देख लें, तो इसका इफेक्ट तो जरूर पड़ेगा कहीं ना कहीं कि 2000 लोग एकदम से वहाँ पे आ जाएंगे और बिना किसी बात को, अभी तो ये पता चला कि नए लाइसेंस भी इशू कर रहे हैं, तो 2000 के करीब लोगों को वहाँ पे बिठाया जाएगा, नहीं बिठाना चाहिए था, मैंने ये सवाल भी किया था अफसरों ने मुझे, मैंने मेरे फोन पे भी बात हुई ऑफिसर्स के साथ, उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की कि गेहूँ आने वाला है अनाज मंडी 39 में और वहाँ पे इसलिए हम लोग शिफ्ट नहीं कर पा रहे, मैंने उनको आइडिया दिया था कि आप 39 की मंडी में पक्के प्लेटफॉर्म में आइसोलेटेड जगह है तो वहाँ शिफ्ट कर दीजिए, लेकिन उन्होंने जब ये तर्क दिया कि गेहूं वाला तो कच्ची जगह पे हम कर नहीं सकते, कोई कच्ची जगह पे वहाँ पे कीचड़ हो जाएगा, राशनिंग हो जाएगा और ये सारी चीजें जो है फिर हमें और फेस करनी पड़ेंगी, तो हम पहले ही सफाई की तरफ ज्यादा चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप सहमत तो हैं प्रशासन के इस मुद्दे? नहीं, मैं देखिए इस बात से सहमत बिल्कुल नहीं हूँ वहाँ पे शिफ्ट करने वाले। एक चीज, काफी अरसे से आपने ये पुरजोर तरीके पे अपना कांग्रेस में स्टैंड लिया हुआ है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैडम किरण खेर पब्लिक में क्यों नहीं आती है, तो अगर एमपी हैं और वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके लॉ एंड ऑर्डर के लिए या प्रशासन के साथ में दिन रात वो जुड़ के अगर काम कर रही हैं अपने घर से, तो उसमें कांग्रेस को क्या आपत्ति हो सकती है? कांग्रेस को कभी कोई आपत्ति नहीं रही, आपत्ति लोगों ने शुरू की थी जब गौशाला की तलाश एक पोस्टर चलने लगे थे, व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा, सोशल साइट्स पे देखा होगा कि उस पर चलने लग गया, हम लोगों ने उसके बाद तो आपने कांग्रेस ने मुद्दा बना दिया उसका? कांग्रेस ने मुद्दा नहीं बनाया, कांग्रेस ने सवाल किया कि मैडम आप शहर की भलाई के लिए क्या करें, हमने सवाल किए थे, हमने इसको मुद्दा नहीं बनाया कि आप कहाँ हैं, हमने कहा आप चंडीगढ़ आ जाइए, वो कहते हैं मैं चंडीगढ़ में हूँ, हमने कहा एक बार चलो और तो नहीं, पब्लिक को नहीं, ऑफिसर्स को नहीं, कम से कम गवर्नर साहब रोज मीटिंग लेते हैं, रोज फोटो लगती है, उनके साथ एडवाइजर बैठे हैं, डीजीपी बैठे हैं, होम सेक्रेटरी बैठे हैं और लोग बैठे हुए हैं, तो आप भी एक बार मीटिंग अटेंड कर लीजिए, नहीं है तो ऑनलाइन करके बता दीजिए, नहीं तो लाइव आ जाइए, लेकिन वो लाइव नहीं आई, उन्होंने 2 CD जारी करी, दोनों की दोनों रिकॉर्डेड थी, और उसके बाद हमने कहा था कि एक बार जर्नलिस्ट को आके हाई बोल दीजिए अपने केस पर, अगर आपको कोरोना का इतना ही डर है, अगर आपको कांग्रेस के ऊपर एलिगेशन लगाना ही है सिर्फ, और आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त एमपी शहर में नहीं है? मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ जी, सीधी सी बात बताऊँ, मैं मुझे तो कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि आज भी 2 बयान देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष क्या कह रहे हैं कि माइग्रेंट लेबर को रोकना चाहिए प्रशासन को, हम आपको वो देंगे, हम आपके लिए ये करेंगे, और दूसरी तरफ किरण खेर जी कह रहे हैं कि माइग्रेंट लेबर के लिए अरेंजमेंट करिए ट्रेन का, बसेस का, दूसरी चीज़ों का, तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों है? क्योंकि वो रेगुलर टच में नहीं है, वो भी वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कहीं ना कहीं झूठ बोल के कि मेरी रोज किरण जी के साथ बात होती है, तो किरण खेर जी सिर्फ कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा सकती हैं, और ये पर ये बात भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि कांग्रेस को हमेशा मुद्दे चाहिए होते हैं राजनीति करने के लिए, वो कभी भी देश के साथ
उस समय पे नहीं खड़े होते जब आपातकाल हो गया से पूछ रहे कांग्रेस के कितने साल राज किया, हमें तो विपक्षी की भूमिका भी निभानी आती थी अच्छी तरह से, हमने तो सीखी इनसे है कि मुद्दा कैसे बनाया जा सकता है किसी बात को, क्योंकि इन्होंने लाखों लोगों के फॉर्म भराए थे हाउसिंग बोर्ड का जब पिछला कॉर्पोरेशन का चुनाव था और एक भी आदमी को मकान नहीं दिया, कम से कम मुद्दे तो बनाना ये इनको अच्छे तरीके से आता है क्योंकि विपक्ष में ही रहे। जाते जाते एक क्वेश्चन मुझे याद आया जिसमें आपने भी ये कहा, तो एक ऑनलाइन शायद आपने पिटीशन कुछ मुहिम अभी स्टार्ट की है, वो क्या है जरा खुलकर बताएं। देखिए हमने ऑनलाइन पिटीशन जो है उसमें चार मुद्दे अहम मुद्दे शहर के उठाए हैं हमने, उसमें सबसे अहम मुद्दा है फीस का, बच्चों के स्कूल फीस का, बसेस का, और उसके अलावा आज हम उसको रिलीज करेंगे ऑनलाइन पिटीशन को अभी थोड़ी देर में, और उसमें हमने जो मुद्दे उठाए हैं उसमें लोगों के साइन हम लोग करवाएंगे ऑनलाइन पिटीशन पे, फिर उसके बाद वो एडमिनिस्ट्रेशन को हैंड ओवर करेंगे, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर साहब को या एडवाइजर को, दोनों में से किसी को हैंड ओवर करेंगे, ताकि लोगों की जो भावनाएं हैं, लोगों की जो सोच है, लोगों की जो कंप्लेंट्स हैं वो उन तक पहुँच सके और उसके मुताबिक उसका सोल्यूशन निकल सके। ये हमारा जो आज हम लोगों ने उठाने वाले मुद्दे चार में हम मुद्दे हैं उसको शेयर। प्रकाश टीवी के माध्यम से आप दर्शकों से कुछ साझा करना चाहेंगे अपने शहर? देखिए मैं तो यही कहूँगा कि डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, अगर आप खुद सेफ हैं, अगर आप खुद बचे हुए हैं तो औरों को भी बचा सकते हैं। दूसरी बात धन्यवाद करना चाहूँगा अर्थ प्रकाश का कि कोरोना वाली जो मुहिम है उसमें अर्थ प्रकाश टीवी चैनल, अर्थ प्रकाश के न्यूज़पेपर और आप लोग सब लोग लगे हुए हैं इस बात के लिए कि शहर को किसी तरह से बचाया जा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। आप थे हमारे साथ प्रदीप छाबड़ा, चंडीगढ़ प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस, अर्थ प्रकाश टीवी। अपने सभी दर्शकों को एक बार फिर यही आग्रह करता है कि कोरोना की इस महामारी में सेफ रहें, स्वस्थ रहें और सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस का पालन करें। धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।